हेलो एवरीवन, माय नेम है चल सिंह भाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो फिर से अपना चैप्टर चला लाइट, और लाइट चैप्टर में एक नया टॉपिक अपन लेके आए हैं, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेज बाय द टू प्लेन मिरर्स, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में जो है अपने प्लेन मिरर की बात की थी, प्लेन मिरर में आपकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात की थी, उसका इमेज बनाया था, और एक्सटेंडेड के लिए भी अपन इमेज बनाया था। उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसकी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे जो कि प्लेन मिरर से और उससे इमेज से रिलेटेड थे। आज जो पढ़ने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय मल्टीपल इमेजेस बाय द टू प्लेन मिरर्स, है ना। मल्टीपल मतलब आपने कभी कभी देखा होगा कि जब आप सैलून वगैरह में जाते हैं, हेयर कट के लिए, तो वहाँ आप जब चेयर पे बैठते हैं तो आपको, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्लेन मिरर्स लगे होते हैं, ठीक है ना, तो एक आपके आगे भी होता है, एक आपके पीछे भी होता है, तो आप देखते हैं कि आपको अपनी मल्टीपल इमेजेस दिखती है ना। आपको कम से कम 3-4 इमेज तो आपको आराम से दिखती है उन मिरर्स के अंदर, है ना। तो वो सब क्या है और वो कितनी कितनी इमेज बनेगी, उसका क्या फॉर्मूला होगा, कैसे निकालेंगे, वो सब आप पढ़ने वाले हैं आज, है ना। चलिए, तो अपन अब बोला है कि मल्टीपल इमेज बाय टू प्लेन मिरर। अगर मैं दो प्लेन मिरर लूँ जो किसी एंगल पे आपके इंक्लाइंड हो, तो उनके बीच का एंगल अगर थीटा हो, तो जो है अपन उनसे कितनी कितनी इमेज बनेगी अगर उन दोनों के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख दें, ठीक है। तो सिंपल सी बात करते हैं पहले। जैसे अगर ये कोई दो प्लेन मिरर है, ये हो गया अपना M1, ये हो गया अपना M2, ये दो प्लेन मिरर है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है अगर थीटा, है ना। अभी थीटा कुछ भी हो सकता है, 30, 60, 90, 120, ठीक है, ये दोनों एंगल बीच का एंगल थीटा है। और यहां पे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख दूं O, अब इस O की मुझे कितनी इमेज दिखेगी, वो मुझे निकालना है, ठीक है। तो अपन यहां पे लिख देते हैं M1 एंड M2 तो क्या है, अपने प्लेन मिरर्स है, तो क्या ये प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर 1 एंड 2, ठीक है, प्लेन मिरर 1 एंड 2। थीटा क्या है, थीटा यहां पे है एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, तो टू प्लेन मिरर्स के बीच का जो एंगल है वो थीटा ले रखा अपन ने। अब कुछ केसेस की बात करेंगे, केस नंबर वन की बात करते हैं। केस नंबर वन में ये है कि जो नंबर ऑफ इमेजेस होगी, है ना, चलो पहले फॉर्मूला, नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेगी उसका फॉर्मूला है, नंबर इमेज को अपन स्मॉल एन से नोट करेंगे, तो स्मॉल एन निकालना अपन को, स्मॉल एम जो है वो क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस है, तो वो जगह 360 डिग्री अपॉन थीटा, ये अपना फॉर्मूला है, 360 डिग्री अपॉन थीटा, ये टोटल नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला है, 360 डिग्री अपॉन थीटा, ठीक है। अब ये थीटा क्या है, ये थीटा वही है जो दोनों के बीच के एंगल, दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल है। अब थीटा की वैल्यू यहां रखेंगे उसको, थ्री, है ना, 360 के अंदर थीटा का डिवाइड करेंगे, जो भी एक नंबर आएगा, है ना, या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, ठीक है। केस नंबर वन, इफ 360 बाय थीटा इक्वल टू जो n है इक्वल टू हो जाए इवन नंबर, अगर 360 में इन दोनों के बीच जो एंगल है उसको डिवाइड करने पे अगर मेरा इवन नंबर आता है, तो क्या हो जाएगा, देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इक्वल टू हो जाएगा n-1, क्या हो जाएगा n-1। अगर ये वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये चाहिए, मतलब इवन नंबर आ रहा है, तो नंबर ऑफ जो इमेजेस बनेगी वो बनेगी n-1, कितनी बनेगी n-1 बनेगी। ये आपके दोनों केस के लिए है, भले आपका सिमेट्रिकल हो, है ना, भले आपका सिमेट्रिकल हो या फिर असिमेट्रिकल हो, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है, अब सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल मतलब क्या है इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, तो क्या होगा, देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इस केस में, कि इफ ये दो मिरर है ही और टोटल एंगल जो है पूरा 20 और
30 ले लेते, 30 डिग्री, ये ऑब्जेक्ट ओ है। और सेकंड केस अपन लेते हैं ये वाला, ट्वेंटी डिग्री और ये 40 डिग्री, ये अपना ऑब्जेक्ट यहाँ। दो केस है, दोनों में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा कि फर्स्ट केस मतलब इन दोनों के बीच का एंगल निकालो मिरर के बीच का, तो यहाँ पे 30 और 30 60 डिग्री है टोटल। यहाँ एंगल जो है दोनों मिरर के बीच का जो थीटा की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री इसमें भी और 60 डिग्री इसमें भी है, ये 40 और 20 है। पर यहाँ पे फर्स्ट वाला केस जो है वो आपका सिमेट्रिकल का है। किसका है? सिमेट्रिकल का मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों मिरर से सेम एंगल पे है, एकदम बीच में है। फर्स्ट मिरर से, ये फर्स्ट मिरर और सेकंड मिरर, फर्स्ट मिरर से भी 30 डिग्री पे है और सेकंड मिरर से भी 30 डिग्री पे है, तो एकदम सिमेट्रिकल है। पर अगर मैं बात करूं सेकंड वाले में फर्स्ट मिरर से 20 डिग्री पे और सेकंड मिरर से 40 डिग्री पे, तो ये क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल है। क्या है? असिमेट्रिकल बोल सकते हैं इसको, असिमेट्रिकल। दोनों में मिरर के बीच का एंगल 60 है पर ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें एकदम दोनों से इक्वली एंगल पे है, और इसमें दोनों में दोनों से जो एक जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो अनइक्वल है। तो नंबर ऑफ इमेज बनेगी थी बनेगी, तो अपने वाले निकालेंगे 360 डिवाइड बाय थीटा, थीटा अपना 60 डिग्री, 0 से 0 कट गया, 6 6 6 6 6 जा, तो ये 6 आ गया। और 6 जो है वो एक इवन नंबर है। क्या है ये? इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होगी वो कितनी होगी? तो नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होगी होगी n-1 = 6 - 1 = 5 इमेजेस। 5 इमेजेस जो है आपको दिखेगी, इससे जो इमेजेस बनेगी आपको 5 दिखेगी, तो 5 इमेजेस में बनेगी। तो वो सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल, इवन के केस में सिमेट्रिकल हो या ना असिमेट्रिकल हो, अगर 360 डिवाइड बाई थीटा इवन आता है तो फिर नंबर ऑफ इमेज फिक्स है, एक कम करनी है, एन माइनस वन बनेगी। या एन की वैल्यू यहाँ पे 6 आई है, या क्या आई? एन की वैल्यू अगर 6 आई है तो आपकी नंबर ऑफ इमेज टोटल जो आपको दिखेगी, जो फॉर्म होगी वो कितनी होगी? आपकी 5 इमेज। ठीक है, केस नंबर 2 की बात करते हैं। इफ 360 बाई थीटा इक्वल टू ऑड, या फिर जो एन है इक्वल टू ऑड, एन जो आ रहा है वो एक ऑड नंबर आ रहा है, मतलब या तो 3, 5, 7, 9 इस तरीके का आ रहा है, तो जो है क्या होगा तो देखते हैं। तो नंबर ऑफ टोटल, देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इक्वल टू, एक में बनेगी एन माइनस वन और एक में बनेगी एन, एन माइनस वन नहीं, जब आपका होगा सिमेट्रिकल और सेम एन के एनी रहने देंगे, कब? जब अपना होगा असिमेट्रिकल। क्या बोला? इसमें अगर मेरा 360 डिवाइड बाई थीटा जो है वो जो एन आता है वो अगर ऑड नंबर आता है, तो ऑड नंबर आएगा तो उसमें आपके नंबर ऑफ जो इमेजेस बनेगी वो देखना पड़ेगा अपन को कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकल है कि आपका असिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल होगा तो एन माइनस वन एक कम कर देंगे, अगर असिमेट्रिकल हुआ ऑड वाले केस में तो एन ही रहने देंगे, अगर 3 आएगा तो ये 3 रहेगा, ये 4, ये आपको 5 आता है 5 ही रहेगा, ये आपको 7 आएगा तो 7 रहेगा असिमेट्रिकल केस में, और सिमेट्रिकल वाले में एक कम कर देंगे। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो थोड़ा एग्जाम्पल देख लो। जैसे थीटा मान लिया मैंने 120 डिग्री है, थीटा मान लेते 120 डिग्री है ना, दो जो मिरर है उनके बीच का जो एंगल है वो है 120 डिग्री, ठीक, 120 डिग्री मिरर वन मिरर टू, ये जो एंगल है वो है 120। अब अगर सिमेट्रिकल की बात करूं तो पहले तो मैं अगर एन निकाल लेता हूं तो 360 डिवाइड बाय 120 करोगे तो आएगा आपका 3, जो कि क्या है? ऑड नंबर है, जो कि ऑड नंबर है ना, तो अपन को सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल देखना पड़ेगा। अगर सिमेट्रिक हुआ, सिमेट्रिक का मतलब अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है जो कि इससे भी 60 बना रहा है, इससे भी 60 बना रहा है, तो सिमेट्रिकल केस हो गया, दोनों मिरर से सेम एंगल पे सिमेट्रिक केस हो गया। तो इस, तो इफ ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल, तो ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी? एन माइनस वन मीन्स 3 - 1 = 2 इमेजेस आपको दिखेगी, उस वाले केस के लिए बात कर रहा हूं। पर इफ
ऑब्जेक्ट इज असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, दोनों से जो एंगल बनने वाला है वो डिफरेंट डिफरेंट हो। मतलब इसको मैं 66 नहीं रखूँ, यहाँ पर रख दूँ, यहाँ पे एक से बन रहा 30, दूसरे बना 90, एक से बन रहा 30, दूसरे से बना 90, यहाँ रख दूँ एकदम, यहाँ पे एक से बनेगा 30, दूसरे बनेगा 90, तो अलग अलग एंगल हो गए, तो उसमें बनेगी नंबर ऑफ इमेजेस एन इक्वल टू 3 इमेजेस ही आपको दिखेगी। बस ये चीज सिंपल सी बात है। तो इवन आएगा तो कुछ लफड़ा ही नहीं है, इवन आएगा तो एक कम ही करना है, भले सिमेट्रिकल हो अनसिमेट्रिकल हो, पर जब ऑड आ जाएगा तो फिर अपन को देखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है दोनों मिरर से इक्वली एंगल पे है या अनइक्वल है। अनइक्वल है तो असिमेट्रिकल, मतलब एन के वैल्यू वही रहने देंगे, और अगर इक्वल है तो फिर सिमेट्रिकल केस बन जाता है, इसमें अपने एक कम कर देंगे। ये हो गया अपना टॉपिक, कौन सा, इमेज फॉर्मेशन बाय, है ना, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन बाय टू प्लेन मिरर। तो ये अपना हो गया, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये दो केस याद होने चाहिए, कौन सा, इवन वाला और ऑड वाला, तो फिर आपसे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट जो है वो अपना यूज ऑफ प्लेन मिरर। तो यूज ऑफ प्लेन मिरर सिंपल सी चीज है ना, कि प्लेन मिरर कहाँ कहाँ यूज आता है, तो आप अपने बहुत सारे, तो इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है ना, कि एक तो आप जो रोज अपन फेस देखने के लिए यूज करते हैं, जो अपन देखने के लिए यूज करते हैं, है ना, एज अ लुकिंग मिरर। तो लुकिंग मिरर जो होता है अपना, जिससे अपन है ना अपन देखते हैं, जो आपका अलमीरा में लगा होता है, या फिर जो छोटा वाला जो होता है, या फिर जो अपने वॉश बेसिन के पास रखा होता है, वो सारे जो हैं आपके प्लेन मिरर होते हैं, जिसको जिसके हेल्प से अपन अपन आपको देखते हैं। सेकंड बात करें इन एन ऑप्टिशियंस रूम, ऑप्टिशियंस रूम की बात करें, ऑप्टिशियंस रूम में अगर लगा होता है, ठीक है ना, मतलब या फिर आप जो वहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे, चश्मा बनाने के लिए, तो जब आप चश्मा बनाने जाते हैं, तो चश्मा बनाने जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे जो है प्लेन मिरर्स देखने को मिलेंगे, है ना, क्योंकि वहाँ आप चश्मा बनाने जाते हो, चश्मे का फ्रेम तो सेलेक्ट करेंगे, और फ्रेम आपको तो दिखेगा नहीं कि आपने क्या पहना है, दूसरे को दिखेगा, तो वहाँ पे प्लेन मिरर्स लगे होते हैं, जिसकी हेल्प से आप देखते हो कि मुझे ये जो चश्मा है मेरे ऊपर सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वहाँ वो प्लेन मिरर लगे होते हैं। या फिर जब आप कपड़े खरीदने जाते हो, है ना, तो आप कपड़े खरीदने जब जाते हो, तो वहाँ पे भी जो है आपका जो चेंजिंग रूम होता है, या फिर जो बाहर के भी होते हैं, वहाँ पे भी जो है आपके प्लेन मिरर्स लगे होते हैं, जिससे आप देख सकते हो कि आपने जो कपड़ा लिया है, जो आपने पहना है, वो आपके ऊपर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो उसके लिए अपन यूज़ कर सकते हैं, है ना। इन पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में यूज कर सकते हैं, पेरिस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप में जो है इससे कुछ अरेंजमेंट होता है जो आप घर पे बना सकते हैं, ये इसमें क्या अपन हाइट तक देखने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना भाई, मुझे यहाँ से जो है ऊपर वाले अगर रूम में देखना, तो मैं एक बड़ा सा पेरिस्कोप बनाऊंगा, जिसकी हाइट जो है ये रूम, है ना, मैं रूम के साइज से कर दूंगा, और यहाँ पे मैं दो लगा दूंगा, है ना, दो लगा दूंगा प्लेन मिरर्स, ये प्लेन मिरर लगे हुए हैं, जो कि दोनों जो है 45 डिग्री के एंगल पे, है ना, अरेंज होते हैं। अब मैं अगर यहाँ से देख रहा हूँ, मैं अगर यहाँ से देख रहा हूँ, और यहाँ का जो ऑब्जेक्ट मुझे देखना है, इस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकली यहाँ पे, ये 45 एंगल, तो 45, तो यहाँ पे ये 45 के सिलसिले से जाएगी, मतलब ये हॉरिजॉन्टल रे है, और ये एंगल जो है 45 है आपका हॉरिजॉन्टल से, तो ये एंगल 45, ये एंगल 45 हो जाएगा, 45 ये 45 से वापस आ जाएगी, फिर यहाँ से आपका 45 से होके ये भी एंगल 45 और ये भी एंगल 45 हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ये आपकी यहाँ से अगर आप देखो आपकी आँख में जाएगा, आपको ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इसकी इमेज आपको यहाँ पे कहीं आपको दिख जाएगी पीछे, ठीक है ना। तो आप इस ऑब्जेक्ट को आराम से नीचे भी देख सकते हो इतनी हाइट पे, है ना, इसको जितना लंबा बनाओगे उतना आपका ये है, तो अपन हाइट के लिए देखने के इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है पेरिस्कोप, इसमें दो प्लेन मिरर्स का यूज़ होता है, जो कि 45 एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं। इन कैलिडोस्कोप, तो कैलिडोस्कोप कैसा होता है, तो ये खिलौना है, है ना, जिसमें आप तीन प्लेन मिरर को 60 डिग्री, है ना, 60 60 और 60 डिग्री के एंगल पर रख देते हैं, तो ये कुछ प्रिंट जैसा सा बन जाता है, ठीक है ना, ऐसा ये खिलौना होता है ना। तो ये प्लेन मिरर लगे हैं यहाँ पे, तो प्लेन में लगे तीन प्लेन मिरर जो है 60 60 के एंगल पे लगे हुए हैं, बीच में अगर आप कुछ सामान रखते हैं, तो उसके आपको मल्टीपल इमेजेस दिखेगी, है ना, मतलब ये खिलौना एक तरह से, इसमें अगर कुछ आप कुछ चमकीली चीज़ रखते हैं, है ना, या कुछ भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उसके आपको यहाँ से आप देखोगे ऐसे, तो इसमें आपको मल्टीपल इमेजेस दिखेगी, या तीन तीन एंगल, भाई दो जब मिरर होते हैं उससे भी इतनी सारी अब इमेज बनती है ना, 5 बन रही है, 6 बन रही है ना, अगर 60 के एंगल पे है, 60 के एंगल पे है, तो फिर आपकी अभी आपने देखा था कि 5 इमेजेस बनी थी, यहाँ तो ये तीन है, तो तीन से तो और ज़्यादा बनेगी, ठीक है ना, तो मल्टीपल इमेजेस दिखती है, जिसकी वजह से अच्छा लगता देखने में, ठीक है। इन सोलर कुकर, सोलर कुकर में भी यूज़ करते हैं अपन, सोलर कुकर जो होता है, सोलर जो आपका बॉक्स होता है ऐसे ये वाला, और उसमें है ना यहाँ पे जो है इसको ऐसा लगा देते हैं, यहाँ खाना लगा देते हैं, है ना, ये चीज़, तो यहाँ से जो सनरेज आ रही है, जो सनरेज आ रही है उसको जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने में, सनरेज को रिफ्लेक्ट करने में खाने तक जो है इसका यूज़ किया जाता है ना, खाना अगर गर्म करवाना है तो सोलर कुकर में जो प्लेन मिरर, अब तो है ना कॉनकेव जो मिरर है वो यूज़ करता है, वो पहले जो है सोलर कुकर में प्लेन मिरर का यूज़ आता था, तो ये कुछ जो है वो आपके यूजेज हैं प्लेन मिरर के, जो कि इम्पोर्टेंट है
है ना, आप पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ये पता होना चाहिए। और ये जो है कौन सा वाला इमेज फॉर्मेशन, जो कि मल्टीपल इमेज बनाते हैं अपन टू फ्रेमवर्क की हेल्प से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका फॉर्मूला एंड उसके दो केसेस। ठीक है, इसके साथ जो है ये टॉपिक अपना खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।